इस भजन के माध्यम से ये चर्चा करेंगे, हाउ टू सेलिब्रेट सक्सेस। तो हमारा जो युद्ध है ये माया देवी से युद्ध है, और सारे जितने भी भक्त हैं ये सब हमारे एजेंट, सारे हमारे हमारी पार्टी के हैं। तो कोई भी अगर युद्ध में जीतता है तो हमको खुशी होनी चाहिए, बल्कि प्रतिस्पर्धा नहीं आनी चाहिए। एक बार की बात, श्रील प्रभुपाद की सेवा हरीशौरी प्रभु कर रहे थे। हरीशौरी प्रभु श्रील प्रभुपाद की सेवा कर रहे थे, उनको पंखा झल रहे थे, और कोई भक्त वहां पे श्रील प्रभुपाद ने देखा कि एक मक्खी है जो कि श्रील प्रभुपाद को परेशान कर रही है। तो श्रील प्रभुपाद ने हरीश्वरी प्रभु को कहा कि व्हाट इज द यूज ऑफ यू फैनिंग मी इफ द फ्लाई इज स्टिल ऑन मी। श्रील प्रभुपाद ने ऐसे बोला, तो वो बहुत तेज से करने लगे लेकिन वो उस मक्खी को हटा नहीं पाए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा गिव इट टू हिम, दूसरे किसी भक्त को देने के लिए बोला। तो वो भक्त ने चामर लिया और इतना जोर जोर से हिलाने लगे, एकदम ऐसे ऐसे करके एकदम प्रभुपाद के पास पास इतना जोर से हिलाने लगे कि मक्खी एकदम भाग गई। श्रील प्रभुपाद ने कहा वेरी गुड। प्रभुपाद ने कहा कि बहुत अच्छा, वेरी गुड, लेकिन भक्ति देखिए, भक्ति तो हृदय का विषय है, भक्ति तो बाहर जो हो रहा है उसका विषय तो है नहीं। बाहर क्या हो रहा है, बाहर तो विषय है नहीं, एक भक्त के हृदय में भक्ति स्फुरित होती है। तो हरीशौरी प्रभु कह रहे हैं कि शिल प्रभुपाद यही प्रार्थना कर रहे हैं कि शिल प्रभुपाद आई वॉन्ट टू बिकम द सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ दिस डिवोटी हु कैन फैन यू वेरी नाइसली। ये जो भक्त है ये बहुत अच्छा कर सकता है, तो मैं इसका इसके दास के दास का दास बनना चाहता हूँ। मैं अच्छा नहीं कर पाता, मुझे अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं ये जो व्यक्ति आपको पंखा कर पा रहा है, मैं इसके दास का दास का दास बनना चाहता हूं। तो भक्ति इज नॉट देयर इन द एक्सटर्नल्स, भक्ति एक हृदय का विषय है। स्थितियां वही हैं, वही जिंदगी है, वही दुनिया है, लोग वही हैं, समाज वही है, लेकिन एक कृष्ण भक्त का हृदय अलग, कृष्ण भक्त का हृदय अलग सोच रहा है, वही माता जी होंगे, वही प्रभु जी होंगे, वही दो हाथ दो पैर हैं। सबकी लाइफ में सिचुएशन आपको मैं बताऊं, किसी के भी जीवन में अच्छी सिचुएशन नहीं चल रही, मैं तो सबको जानता हूं, कुछ ना कुछ समस्याएं सबके जीवन में चलती रहती। ये बात अलग है कि अगर इनकी समस्याएं इनको पता चल जाए, इनकी समस्या उनको पता चल जाए, तो सब लोग समझ जाएंगे कि ये जो है ये सब हम समान ही। तो भक्ति जो हृदय का विषय, ये ज्यादा ये बाहर का भी विषय है, बाहर से बहुत सारा कुछ करते दिखते हैं, भक्त भी दिखते हैं, सामान्य जनता भी दिखती है, पर भगवान इसी सारी चीजों में शुद्ध भक्ति जब कोई वैष्णव कोई भक्त करता है तो इसी की तो तुलना, इसी इसी की तो परीक्षा हो रही है, और इसी युद्ध में जीतना है। यहाँ पर गोविंद दास कविराज कह रहे हैं
देख राधा माधव मिली मूरति मदन रसो के लिए, ओ नव जल भरंगे यह तीर बिजुरी तरंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब जब हम ये देखते हैं, 10 मिनट, जब जब हम ये देखते हैं कोई भक्त को सक्सेस मिल रही है, कोई बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे भौतिक रूप से भी आध्यात्मिक रूप से भी, और फिर ये देखते हैं कि कोई भक्त को कृपा प्राप्त हो रही है, तो हमें तो मुस्कुराना चाहिए कि हमारा टीम मेंबर, बहुत बढ़िया टीम मेंबर मिला है माया देवी से लड़ने के लिए। भक्ति प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं, भक्ति प्रोत्साहन का विषय। तो जब जब कोई ये जो भक्त हैं ये कह रहे हैं कि यही आदत गोविंद दास जी कविराज ये कह रहे हैं, देखो वहां पर भी यही करना है, जस्ट अप्रिशिएटिंग श्री राधा माधव, गिविंग मर्सी एंड एंजॉइंग द सर्विस ऑफ द डिवोटीज। राधा माधव जो हैं जब मिलते हैं और दोनों को देख करके ऐसा लगता है कि मदन जो है लाखों, कितने कामदेव जब रति से मिलते हैं तो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ एक सौंदर्य वहां उत्पन्न होता है। यही अप्रिशिएट करने की आदत ही तो विकसित करनी है, वहां जाके यही करना पड़ेगा। अगर आपको कंपटीशन की आदत है तो फिर यही आ जाओगे, मतलब आपने देखा कि कोई एक भक्त को आपने देखा कि चलो 100 में किशोरी माता जी को सब लोग बोल रहे हैं कि माता जी 140 माला करते हैं, देखो एकादशी के दिन इतनी मतलब भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, तो ये चीज देख करके आपको खुश होने की आदत होनी चाहिए। एक भक्त को मैं जानता हूँ, बड़े खुश हो जाते थे वो, कुछ भी होता था तो दूसरे को, उनका कुछ नहीं, जब दूसरे लोग धोती कुर्ता खरीदते थे उनको बहुत खुशी होती, नया धोती कुर्ता, उनके पास पैसे नहीं थे ज्यादा, वो जो बेस था हमारा उसमें पैसे दे के नहीं रहते थे, ऐसे ही उनको रख लिए थे कि जो सेवा वगैरह रहेगी, सब्जी लाना या कुछ करना वो करेंगे, उसी हिसाब से उनको रख लिया गया था। मैंने देखा कि वो जब दूसरे नया धोती कुर्ता, उनको तो धोती कुर्ता खरीदना नहीं हो पाता था क्योंकि गरीब थे, पैसा नहीं था ज्यादा, तो जब दूसरे धोती कुर्ता खरीदते थे तो वो बहुत खुश हो जाते कि धोती कुर्ता खरीदा है। तो दूसरे जब सक्सेस पाते हैं, दूसरे जब कृपा प्राप्त करते हैं, दूसरों को जब ये भौतिक संसार में जो ये हमारा मन करता है कि मुझे क्रेडिट मिले, वो तो जस्ट उसका उल्टा ही तो करना है, उसका उल्टा ही शुद्ध भक्ति है। जो हम जब लोग कहते हैं कि तुम बड़े महान हो उससे हम खुश होते हैं, वही तो नहीं करना था, यहाँ पर यही करना पड़ेगा, वहां गोलोक वृंदावन में यही करना पड़ता है। इसीलिए माया देवी हमारी परीक्षा लेती है कि वैलिड कैंडिडेट वहां पे जाए जिसकी आदतें ये वाली ना हो, कोई किसी को कह दे कि आप प्रभु जी हमें गाइड कर रहे हैं, तो हमको जलन नहीं होना चाहिए, हमको खुश होना चाहिए कि बहुत अच्छा, कितना अच्छा, कितने अच्छे हैं वो जो कि इतने अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। तो उनको जो ये सक्सेस मिल रही है, इस समझिए थोड़े दिन का ही है, यहाँ पे सारा जो भी है चल रहा है थोड़े दिन का ही रहता है, एक दिन साइलेंट हार्ट अटैक आता है और सोए रहते हैं बिस्तर पे, कई बार 24 साल के लड़के भी डेथ हो जाते, सारा युद्ध बस ये मृत्यु तक का ही होता है, एक बार मृत्यु हो जाती है
हमारे पास भी कुछ नहीं रह जाता है, कोई हमसे कुछ लेना भी नहीं चाहता। और क्योंकि हम किसी से कुछ अब ले नहीं सकते, छीन नहीं सकते, इसलिए लोग उसके बारे में कुछ बुरा भी नहीं मानते। इसका मतलब ये है कि मृत्यु वाला सिम्टम जिसके अंदर अभी भी है, वो व्यक्ति से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पहली बात, तुम किसी का कुछ ले नहीं सकते, तुम किसी से कुछ मांगोगे नहीं। बस ऐसा आप कर लीजिए, किसी को बुराई नहीं लगेगी। और इसका उल्टा करें तो लोग बहुत पसंद करेंगे आप। लो मत, देते रहो। देखो अभी सारी बदसूरती केवल इसी बात की है कि हम किसी को कुछ चाहते हैं, किसी से आशा करते हैं, वो ही बदसूरती है। अगर वो बदसूरती ना रहे तो देखो अभी सब लोग हमसे खुश रहेंगे, सब लोग कहेंगे बड़े अच्छे आप, बड़े अच्छे आप। देखो कुछ कहते नहीं, कई बार तो लोग सोचते हैं कि काउंसलर भी ऐसे ही हो, कुछ कहे ना, एकदम प्रभु जी हमारे रहते ना, साधना कार्ड भेजो, कुछ नहीं, बस हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ हरि बोल। बस ज्यादा दिन हो जाता है तो मैं बस फोन करके एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ प्रभु जी से, हरे कृष्णा प्रभु जी मैं सोच रहा था ये इस्कॉन में शिखा क्यों रखते हैं। तो एक साल बाद फोन आया है तो ये क्वेश्चन पूछ रहे। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि अरे साधना क्या है, रिपोर्टिंग क्या है, भक्ति में कुछ आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और फिर सोचते हैं कि काउंसलर को बेवकूफ बना दिया है, बेवकूफ बन रहे हैं, ये उनका बड़प्पन है, हम बेवकूफ नहीं बना पाएंगे उन्हें। आप सोचिए, आपके हमारे आपके जैसे लगभग कम से कम 1,000 लोग तो उनके सामने आए होंगे, गए होंगे, तो बेवकूफ से नहीं बना सकते। हाँ तो उनका बड़प्पन है कि आप बेवकूफ बना रहे हैं और वो बन रहे हैं। तो हम अगर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गोलोक वृंदावन में वी हैव टू सेलिब्रेट अदर सक्सेस, यही करना था। क्या क्या करना होता है गोलोक वृंदावन में? दूसरे कुछ सेवा कर रहे हैं उसमें हेल्प करना, क्रेडिट उनको मिले हमको ना मिले। गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण मिलेंगे, उनको प्रेम प्राप्त होगा, वो उनका उत्थान होगा। हरे कृष्ण, हाँ तो एक बात समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे भक्ति में एक अपना एनालिसिस करने का अवसर मिलता है भक्तों के संग में। भक्त लोग क्या करना चाहते हैं, भक्तों के संग में ही ये अवसर मिलता है। बार बार हम देख पाएंगे इस चीज को किस तरह से। हाँ तो ये जो एप्रिसिएशन है, ये चीज हमारे अंदर डेवलप करना चाहिए। ये सारे गुणों की खान ये है कि हमारा एक भजन कुटी होना चाहिए। सारे गुणों की खान ये है कि हमारी एक भजन कुटी होनी चाहिए, जिसमें हरि नाम के बाद हम ये करते हैं, के बाद हम ये करते हैं, उसमें हमेशा रहते हैं।
बीच बीच में दुनिया में निकल के जो आवश्यकता होती है वो कर। तो ये कह रहे हैं कि जब अलग अलग भक्तों की सेवा देख करके कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उसको देख करके हमको प्रसन्न होना चाहिए। ओ नव जल धर अंगा, यह थिर बिजुरी तरंगा, ओ बरमर कट थामा, यह कांचन दश बान। तो कह रहे हैं कि हम जब देखते हो एक बादल, राधा रानी बिजली के जैसी हैं और कृष्ण बादल के जैसे, ये जो सुंदरता है ये देख करके एक व्यक्ति का मन जो है प्रसन्न हो जाता है। अरे तो तैयारी तो कर लूँ वहां पे सारा, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा मेरा क्या चलेगा, तो वो भी तो मेरे साथ जाएंगे ना, कहाँ हो गया है? रखो ना सारा चीज वहां पे, मैं आऊंगा फिर, 1 सेकंड भी वेट नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। सॉरी मैं थोड़ा यहाँ पे सारा प्रोसेस हो जाए तो फिर मेरा जरूरत है। तो ये कह रहे हैं जैसे ये ऐसा लग रहा है जैसे कि राधा रानी सफेद जैस्मिन के लता के जैसी हैं और कृष्ण दोनों, राधा कृष्ण जब आलिंगन करते हैं तब ये देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। गोविंद दास कविराज ये कह रहे हैं कि ये देख करके प्रसन्न होना उनको यही करना पड़ेगा वहां जाकर के। अगर आप सोचेंगे इफ यू डोंट लव असिस्टेंटशिप, इफ यू डोंट लव असिस्टिंग, इफ यू डोंट लव नॉट गेटिंग द क्रेडिट, इफ यू डोंट लव हेल्पिंग अदर्स रादर देन गेटिंग हेल्प, रादर देन गेटिंग क्रेडिट, रादर देन बिकमिंग ग्रेट, ट्राई टू मेक अदर्स ग्रेट एंड तो दूसरों को बड़ा बना करके खुश होना, ये सब चीजें ही वहां गोलोक में करना पड़ेगा, उसी का ट्रेनिंग यहाँ पे मिलता है। तो वो सारी आदतें जब जिस व्यक्ति की यहाँ पे रहती, तो वो व्यक्ति तो ये यहाँ पर कह रहे हैं नव तरुण तमाल, किस तरह से उनका जो रूप है उसको निहार करके अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया सेलिब्रेटिंग अदर्स सक्सेस, इसके और भी पर्सपेक्टिव है। एक तो ये भी है कि बड़ा वैराग्य होना चाहिए, इसलिए अपने लोभ पर कार्य करना चाहिए। किसके लोभ पर? यदि किसी को धन, इंद्रियों और इन सब का लोभ है तो वो फिर इस पर कार्य नहीं कर पाएगा, इस स्तर पे कार्य नहीं कर पाएगा। मान लीजिए किसी को सुंदरता में या किसी भी चीज में अगर उसको आसक्ति है तो उस पर लोभ पर कार्य करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? उसको छोड़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा, जैसे किसी को जन से आ सकती है, किसी को धन से आ सकती है तो दान करना चाहिए, किसी को जन से आ सकती है तो फिर छोड़ देना चाहिए, उनको ज्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए और उनको दूसरों के पास भेज देना चाहिए। तो धन जन सुंदरी कविता, जो भी हमारी जो आसक्तियां हैं, जो भी इंद्रिय हमारा जो आसक्ति है उसको भोजन में जैसे आ सकती है, तो उस लोभ पे जब तक कार्य नहीं करेंगे, लोभ रहेगा तो फिर आप कर नहीं पाएंगे कुछ। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय, भक्तिविंद की जय। पुराने समय में भी ऐसे होता था, राजा प्रियव्रत भगवान का भजन करना चाहते थे, इसलिए राज राज्य का कोई लोभ ही नहीं था। मतलब लोगों का गोल ही बहुत अलग था, वही प्राप्त करना था, तो फिर इधर वाले में कोई कोई टेंशन ही नहीं होती थी। कौन ले राज्य, किसी को चाहिए ही नहीं रहता। अब सबको एक ही सीट चाहिए तो कैसे हो?
अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आज फिर हम प्रश्न उत्तर नहीं ले रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिदिन साधना करने के लिए। जो लोगों ने सोलह माला नहीं की है, मनोज प्रभु, अनीता कमल माता जी, मंत्रेश्वर प्रभु, राणा पाटिल प्रभु, सौरभ तांबे प्रभु, सुनील प्रभु, और सुनील प्रभु की तो हो गई होगी, सुनीता माता जी, तो आप लोग माला कर लीजिए, सोलह माला है ना, जल्दी कर लीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।